I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. समाधि के दिए के पीछे एक दास्तान होती है, दास्तान जो कभी कभी तलवार के कलम से लहू की स्याही बनाकर लिखी जाती है। इस समाधि के दिए के पीछे भी एक दास्तान है, नफरत और मोहब्बत की दास्तान। अरावली और थंबोर पड़ोसी रियासतें थीं, लेकिन इनके बीच एक आग का दरिया बहता था और ये आग लगाई थी रानी पद्मावती के रूप की ज्वाला ने। जिस दिन रानी पद्मावती ने स्वयंवर में थंबोर महाराज की जगह अरावली महाराज को जयमाला पहना दी, थंबोर महाराज के सीने में इंतकाम की आग धधक उठी। अरावली पे हमले की तैयारी हो। अरावली महाराज ने राजकुमार को युद्ध की लपटों से दूर रखने के लिए पन्नादाई के बेटे हिम्मत के साथ गुरुकुल भेज दिया। कितने ही वर्षों तक युद्ध चलता रहा, आग का दरिया खून का समंदर बनता रहा। आखिर एक दिन रानी पद्मावती साहस करके अम्न का पैगाम लेकर थंबोर महाराज के खेमे में पहुंच गए। क्या अरावली की महारानी पधारी है? ये क्या अरावली की महारानी के हाथों में बुझा हुआ दिया? क्या अरावली की मशालों में रोशनी नहीं रही? हम ये बुझा हुआ दिया इसलिए लाए हैं ताकि आप अपनी क्रोध की ज्वाला से इसे जला सके। रानी पद्मावती की दलीलों से थंबोर महाराज के दिल पर गहरा असर हुआ और खून और शोले उगलती हुई दोनों रियासतों में अमन हो गई। आपने हमारी आज्ञा लिए बिना शत्रु के साथ संधि करने का साहस कैसे किया? सुहागन को अपना सुहाग बचाने के लिए किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है महाराज। आप हमारा अपमान कर रही हैं रानी। इस बार हमारी जीत निश्चित थी। हम अपनी हार स्वीकार करते हैं महाराज। आप अचानक इस हृदय परिवर्तन का कारण? राजकुमारी विशाखा हमें बहुत प्यारी है महाराज। आज रानी पद्मावती ने हमारी आंखें खोल दी। हमने सुना है गुरुकुल में अरावली के राजकुमार का कोई सानी नहीं है। बताइए इस बाप की क्या सजा है? हम अरावली के साथ मित्रता नहीं रिश्ता चाहते हैं। अरावली के राजकुमार के साथ राजकुमारी विशाखा देवी का विवाह हरगिज़ नहीं। राणा रुद्र प्रताप, आप अपने महामंत्री दुर्जन सिंह के ख्वाबों को इतनी आसानी से मिट्टी में नहीं मिला सकते। अचानक इस निमंत्रण का कारण? हमारे महामंत्री का दावा था कि आप संधि पत्र पर हस्ताक्षर के लिए कभी थंभौर नहीं पधारेंगे।
अब आपके महामंत्री का क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि राणा साहब ने आपके साथ समझौता करके थंबोर के हजारों शहीदों का बलिदान व्यर्थ किया है। यह युद्ध समाप्त करना आवश्यक था महामंत्री। युद्ध तो समाप्त हो चुका था महाराज, हमारी जीत स्वयं अपने पैरों से चलकर आपके खेमे में आई थी। आप चाहते तो महारानी पद्मावती को बंदी बनाकर हमेशा के लिए अरावली को फतह कर सकते थे, लेकिन आपने उनके सामने हथियार डाल दिए और मेरे दिल के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए राजकुमारी विशाखा देवी का विवाह अरावली के राजकुमार के साथ पक्का कर दिया। ये जानते हुए भी कि राजकुमारी के लिए इस नाचीज से बढ़कर और कोई वर नहीं है। तुम्हारा ये तो साहस, तुम भूल गए कि तुम्हारा बाप एक मामूली लुटेरा था जिसे हमने युद्ध के कारण सेनापति बनाया था। भूल तो आप रहे हैं महाराज कि लुटेरे अपनी ख्वाहिश लूट कर पूरी कर लिया करते हैं। आपने पद्मावती की मोहब्बत में कितना खून बहाया, अपनी विशाखा की मोहब्बत में थोड़ा सा खून तो मैं भी बहा सकता हूँ। दुर्जन सिंह की साजिशों ने अपना रंग दिखाया और थंबोर महाराज की हत्या के झूठे इल्जाम में अरावली महाराज को फांसी की सजा सुना दी गई। थंबोर वासियों, यही है वो हत्यारा जिसने तुम्हारे प्यारे महाराज को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा था। राजकुमारी विशाखा देवी ने इसे मृत्यु दंड देने का फैसला किया है। हत्यारा हम नहीं है, हत्यारा है ये आपका महामंत्री। हमारा विश्वास कीजिए राजकुमारी, हमें अपने प्राणों का बिल्कुल मोह नहीं है, हमें आपकी और आपके इस राज्य की भविष्य की चिंता है। सुना आपने, जो पिछले 20 बरस से थंबोर की माओ की गोद और बहु बेटियों की मांग सुनी करता रहा है उसे आज थंबोर के भविष्य की चिंता है। राजकुमारी जी, अगर आप अपना फैसला बदलना चाहें तो फरमाइए, वरना जल्लाद हमारे इशारे का इंतजार कर रहा है। जब रानी पद्मावती पर यह कहर टूटा तब उनके दिल में राजकुमारी विशाखा के लिए नफरत का जहर था और अपने बेटे राजकुमार के आने का इंतजार। उन्हें क्या मालूम था कि दुर्जन सिंह की साजिश ने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे राजकुमार को सुल्तान गौरी के कैद खाने के अंधेरों में गर्क कर रखा है। कौन है? ले आओ उसे। पहले मुझे ले चलो। अच्छा, पहले इसे ही ले आओ। नहीं दोस्त, नहीं। हाँ दोस्त, रोटी कैसे खाओगे, पैरों से? ये हिंदुस्तानी हाथ है, गुलामी की रोटी खाने के बजाय कट जाना पसंद करेंगे। अपना काम करो। Yeah!
राजकुमार, बचो। हिंदुस्तानी पैरों से खाते नहीं, खिलाते हैं। राजकुमार, तू इन्हें आजाद नहीं कर पाएगा, मगर मेरी जंजीरें तोड़ सकता है। तोड़ दे मेरी जंजीरें, तोड़ दे जल्दी। नहीं दोस्त, ये तो वैसे ही मरने वाला है, इसे सजाए मौत हुई है। इसे छोड़, अपनी जान बचा, भाग लिया से। मेरे बगैर तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। इसकी बात मत सुन, ये भी इसी मुल्क का है, इस पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। चल भाग लेते यहाँ से। सिर्फ मुझे मालूम है यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। तोड़ दो जंजीरें, तोड़ दो राजकुमार, तोड़ दो। हिम्मत, माफ करना दोस्त, साथ निभाने का वक्त आए तो साथ छोड़कर जा रहा हूं। नहीं हिम्मत, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हिम्मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। साथ आए थे, साथ जाएंगे। हिम्मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी वफा तुम्हारे साथ जाएगी। मेरी मां से कहना कि मैंने उसका दूध जाया नहीं किया। नहीं हिम्मत, हिम्मत, वो अपने आंसू जाया ना करे। इस तरह शक की निगाह से मत देख मुझे। आज के बाद ये जान राजकुमार की अमानत है, मरते दम तक तेरे फर्ज की हिफाजत करूंगा मैं, ये मेरा वादा है। हिम्मत, 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 चांडाले, चांडाले, शांत चांडाली शांत, मैं हूँ तेरा दुर्जन। हमने अपनी दिलेरी और होशियारी से अपने हर दुश्मन को शिकस्त दी। हमारा हर मंसूबा कामयाब हुआ, हर इरादा पूरा हुआ, फिर भी हम खुश नहीं हैं। बोल, तेरी खुशी में कौन सी कमी रह गई है? बोल बोल। राजकुमारी विशाखा देवी। मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुझे? विशाखा की पहली औलाद। थंबोर के तख्त के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। वशीकरण, इसमें वो शक्ति है जो नफरत को मोहब्बत में बदल देती है। इसे राजकुमारी की हवा में मिलवा देना। जब वो नाक के बाहर निकलेगी और जिस मर्द पे उसकी नजर पड़ेगी वो उसी की हो जाएगी। लेकिन होशियार खबरदार, संगीत बजता रहे लगातार, घर गूंजी तलवार की झनकार, तो वशीकरण हो जाएगा बेकार। अली, घोड़ों के टापों के निशान, ये रास्ता हमें जरूर आबादी की तरफ ले जाएगा।
आप रास्ता देखिए राजकुमार, मैं खुदा को याद करता हूं, वो हमें जरूर रास्ते से मिला देगा। अब की बार सही लगा मेरा निशाना है, अब मैं इसकी आंख पे मारूंगा। इसने किसी गुलेल से सिपाही की आंख फोड़ी थी ना। सिपाही, तुम लोग भाई साहब से जाके मेरी तारीफ करना है, तारीफ करना, कहना कि सेनापति सुजन सिंह जी पक्के निशानेबाज हो गए। अरे नामाकुल, हिलता क्यों रहता है तू? तो फिर मेरा निशाना गलत हो जाता है ना बेवकूफ। लाओ, अरे हाथ क्यों मिला रहा है पत्थर पे? अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागा जा रहा है मेरा निशाना, भागा जा रहा है। अरे अरे, अगर किसी ने इस मासूम पर हाथ उठाने की जरूरत की तो जालिम के हाथ काट दूंगा। एक बागी की हिफाजत करने की सजा जानते हो? हमारे राज में जुल्म करने की सजा जानते हो? तुम्हारा राज? तुम्हारा राज कौन हो तुम? हैं? अरावली का राजकुमार। राजकुमार? अरावली का राजकुमार? अरावली का राजकुमार? ठीक है, मैं अभी जाके भैया को खबर देता हूँ। चल सजनी, चल भैया के, अरे चल भैया के पास चल। इसे सुबह राजकुमारी के हमाम में मिला देना। क्यों हुकुम महामंत्री जी? और ध्यान रहे, संगीत लगातार बजता रहना चाहिए। जी। ये लो। एक रात की बात है भैया, वहां के कहूं? जो कहना है जल्दी कहो। और भैया नहीं महामंत्री कहो। महामंत्री जी, दीवारों के भी कान और दरवाजों की भी दबान होती है। हुआ क्या? अरावली का राजकुमार वापस आ गया है। पर वो तो सुल्तान गौरी की कैद में था। लगता है उसका खून भी उसके बाप के कातिल के हाथों लिखा है। राजकुमार। ताईमा, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा दोस्त अली। बेटा हिम्मत कहाँ है? ये तावीज याद है ताईमा? हाँ याद है, तुमने हिम्मत से एक बार इसे लेने की जिद की थी तो कितना झगड़ा किया था उसने। कहता था राजकुमार मांगे तो जान दे सकता हूँ, लेकिन ये तावीज नहीं दे सकता। आज आज दे दिया ताईमा। शहीद हुआ ना राजकुमार? हाँ ताईमा। तुम्हारी हिम्मत की मौत हम पर कर्ज है पन्ना। किसी दिन इसके बदले अगर तुमने हमसे राजकुमार की जिंदगी भी मांगी तो हम दे देंगे। होना तो ये चाहिए था 12 साल बाद
अपने राजकुमार के लौटने की खुशी में अरावली में दीपावली मनाई जाती, मगर थंबौर की राजकुमारी ने महाराज को मृत्यु दंड देकर अरावली के सारे चिराग बुझा दिए। महाराज की समाधि का ये चिराग तभी जलेगा राजकुमार, जब थंबौर के सारे चिराग बुझा दिए जाएंगे। आपके चरणों की सौगंध रानी मां, मैं अपने इंतकाम की तलवार थंबौर की छाती में इतनी गहरी गाड़ दूंगा कि थंबौर की आने वाली नस्लें सदियों तक उसे निकाल नहीं पाएंगी, और तभी मैं अपने पिता की समाधि पर चिराग जलाऊंगा। ये मेरा वचन है। राजकुमार गए, राजकुमार गए। राजकुमार, ये थंबौर का परचम है। हाँ क्यों? यहाँ के वजीर का नाम दुर्जन सिंह है। शायद तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? आपको पता है मुझे सजाए मौत किस लिए मिली थी? किस लिए? इसी दुर्जन सिंह की वजह से। ये उन दिनों की बात है जब दुर्जन सिंह हथियार खरीदने के लिए हमारे सुल्तान के पास आया करता था। दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह, तुम्हारी दोस्ती से हमें बहुत फायदा है। हमें अपने हथियारों की दुगनी कीमत वसूल हो रही है। तुम्हें दुगनी कीमत मिली और हमें चौगनी दलाली। फायदा दलाली में ही है सुल्तान, फायदा दलाली में ही है। अब वो दिन दूर नहीं जब थंबौर का खजाना खाली हो जाएगा और हमारा लबालब, तब थंबौर पर हमारा कब्जा होगा, तंबोर का राजा हमारी कद में होगा। और तंबोर की राजकुमारी हमारी। दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह, इन्हें आरामगाह तक पहुंचा दो। उस्ताकी माफ हो तो कुछ अर्ज करो सुल्तान। बोलो क्या बात है? हमारे मजहब में नमक हरामी सबसे बड़ा गुनाह है। क्या मतलब? जो शख्स अपने मालिक का नमक खाकर उससे गद्दारी करे, वो दोस्ती तो क्या, दुश्मनी का भी हकदार नहीं रहता। ये हरामजादा छुप कर हमारी बातें सुन रहा था। मुझे इसका इरादा ठीक नहीं लगता सुल्तान। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दुर्जन सिंह, तुम्हारी दोस्ती पर ऐसे हजारों गुलाम कुर्बान। ले जाओ इस गद्दार को, इसे मौत की सजा दी जाती है। ले जाओ। बहुत पछताओगे सुल्तान, मेरी बात ना मानकर बहुत पछताओगे। जिस मकसद से तुम यहाँ आए हो राजकुमार, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मगर एक बात याद रखना कि गुस्सा शैतान का गुलाम है। कहीं ऐसा ना हो कि साजिश दुर्जन सिंह की हो और सजा राजकुमारी को मिले। इसके पीछे कोई खुफिया रास्ता होना चाहिए। आप दरवाजा ढूंढिए राजकुमार। Thank you.
पानी कब आएगा ये खूबसूरत बदन क्या यूं ही जल कातिल जरूर है लेकिन तुम किसी का कत्ल करवा सकती हो इस पर यकीन नहीं होता। ये होंठ जो पंछी के जख्म का मरहम बन सकते हैं किसी की मौत का हुक्म नहीं दे सकते। कौन हो तुम? अरावली का राजकुमार। हमारा शत्रु? हम तुम्हें कैद करके तहखाने में डलवा देंगे मगर हम तुम्हें आगोश में लेना क्यों चाहते हैं? हम तुम्हें सरेआम कोड़े लगवाएंगे
मगर हम तुम्हें चूमना क्यों चाहते हैं? तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करके हमें बेहद खुशी होगी, मगर हम तुम्हारी बाहों में टूटकर बिखर क्यों जाना चाहते हैं? हम तुमसे बेइंतहा नफरत करते हैं राजकुमार, मगर हम तुमसे बेइंतहा प्यार क्यों करना चाहते हैं? सुना था जब नफरत हद से गुजर जाती है तो मोहब्बत बन जाती है। आज देख रहा हूं मैं तो तुम्हारे प्राण लेने आया था राजकुमारी। तो लेते क्यों नहीं? देखना चाहता हूं जिसकी नफरत का यह आलम है उसकी मोहब्बत कैसी होगी। भाइयों, इसे गिरफ्तार कर लो। अरे जलान खाने में आंखें नहीं खोल सकता, ये हमारे मजहब के खिलाफ है। नहीं खोलेगा तो हमेशा के लिए आंखें बंद हो जाएगी बेवकूफ। लाहौल बिलाकुबल, एक औरत के हमाम में तलवारबाजी, अगर मेरे उस्ताद को पता चल गया ना तो जिंदगी भर मेरी शक्ल नहीं देखेगा। अबे यहाँ से निकल पाएगा तो शक्ल दिखाएगा। भाई एक बार फिर गौर से देखो, लड़कियां चली गई, दिख तो नहीं रही कोई भी। शुक्रिया। चलो यहाँ से। भाग कर कहाँ जाओ राजकुमारी, मैं तो तुम्हारी आंखों में डूब चुका हूं। अब क्या हुआ? अरे चलो राजकुमारी यहाँ से। दिल देकर जा रहा हूं राजकुमारी, दिल लेने फिर आऊंगा। दिल लेने आओगे तो सर देकर जाना होगा। अरे पीछा करो, पीछा करो इनका। राजकुमारी जी, सुना है मेरी गैर हाजिरी में आपको चंद परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो परेशानी नहीं, अरावली का राजकुमार था। बरसात करीब है राजकुमारी, चींटियों के भी पर निकल आते हैं, और वो तो इंसान है। वो हमारा दुश्मन है। हमें तो लगता है कि हमारी हिफाजत का जो इंतजाम आपने किया है उसमें बहुत बड़ी खामी रह गई है। बहुत बड़ी खामी तो दूर, थंबोर के किले में एक बारीक सुराख भी हुआ तो दुर्जन उसे अपनी लाश से भर देगा, ये आप अच्छी तरह जानती हैं। बहरहाल हमने दारोगा महल को बर्खास्त कर दिया है और सिपाहियों की तादाद चौगुनी कर दी है, और बंदा खुद हथियार बंद होकर दिन रात साए की तरह शबिस्तान से लेकर हमाम तक आपकी हिफाजत करेगा। हमारे सोने के कमरे और हमाम से आप अपने साए को दूर ही रखें तो मेहरबानी होगी। आपकी मर्जी मेरे लिए हुक्म है राजकुमारी, फिर भी एक गुजारिश है,
कि मेरा ये खंजर आप अपने पास रखें। क्यों? इसलिए कि एक तो ये आपकी तरह खूबसूरत है और दूसरा ये कि आप ही की तरह मुझे बहुत अजीज है। अगर ये आपके दिल के पास रहेगा तो किसी भी खतरे को आपके करीब आने की जरूरत नहीं होगी, और अगर किसी ने जरूरत की भी तो। शुक्रिया। एक इल्तिजा और है। फरमाइए। इस खंजर को कभी भूल के भी किसी और के हाथ में मत दीजिएगा, वरना मुझे महसूस होगा जैसे आपने मेरी जान किसी और के हवाले कर दी। आप इत्मीनान रखिए महामंत्री जी। और कोई खिदमत? दरवाजा बंद करके जाइएगा। रानी माँ, आप अब तक जाग रही हैं? रानी तो सो चुकी है, अब केवल माँ जाग रही है। माँ को अपने बेटे की बहादुरी पर विश्वास नहीं? क्या तुमने शत्रु पर विजय पाई? कैसे पाते, लाहौल बिला कुवत। वहाँ गुसल खाने के फर्श इतने चिकने थे कि हम फिसल कर वापस आ गए। राजकुमार। राजकुमारी निर्दयी नहीं है रानी माँ। ये तुमने कैसे निर्णय कर लिया? जो एक पंछी का घायल होना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो इंसानों पर अत्याचार नहीं कर सकती। राजकुमार, राजकुमारी बहुत सुंदर है। वो मासूम है रानी माँ। और सुंदर भी। हाँ, सुंदर भी। अच्छा, अरावली का परचम थंभौर की राजकुमारी के आंचल में बांध कर आ रहे हो। इतनी कठोर मत बनी महारानी, राजकुमार की वफादारी पर शक करने का कोई कारण नहीं है। पन्ना, राजकुमार युवा है और यौवन अंधा होता है। सिर्फ यौवन ही अंधा नहीं होता रानी माँ, इंतकाम भी अंधा होता है। राजकुमार, तुम उसके रेशमी बालों के नागों को नहीं जानते जो अरावली की बहु बेटियों की इज्जत कसते रहते हैं। सेनापति के हुकुम का पालन कर रहा था। सेनापति कौन? वो मस्करा? वही वही। चलें। लड़की, मुझे लड़की चाहिए। मेरा नशा भी सारा उतर गया। सिपाहियों, मुझे लड़की चाहिए, अभी के अभी चाहिए। आ गई सेनापति जी। हाँ, किधर है? मैं यहाँ हूँ सेनापति जी। ये तो जरा बड़ी है। अरे तुम सब क्या यहाँ खड़े देखते रहोगे? हाँ। बाहर जाओ, बाहर जाओ, चलो 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 चलो। तकलिया, तुमको बाद में मिलती हूँ। शर्म आती है इन बेवकूफ सिपाहियों से। मैंने बेशरम लड़की लाने के लिए कहा था, शर्मिली पता नहीं कहाँ से पकड़ ला है। अभी कुंवारी हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, उठा दे घूंघट, दिखा दे चेहरा। सिर्फ चेहरा देखोगे? अरे वाह, तू तो काफी तेज है। उठा दे घूंघट, दिखा दे जलवा। उठा दे घूंघट, दिखा दे जलवा। पहले बत्ती तो बुझाओ। रोशनी बुझा दूंगा तो तुझे देखूंगा कैसे? मैं देखने की नहीं, छूने की चीज।
मेंढक की तरह फुद को मत और अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद मैं अंधा हो गया। मैं चलो बैठ जाओ। तुम भी बैठो ना मेरे पास, तुम भी बैठो ना मेरे पास। ये लो बैठ गए। वजनदार हूँ ना। नहीं, तुम बड़ी भी और भारी भी। बहुत धीरज रखिए सेनापति जी, धीरज रखिए। धीरे से जाना बगियन में हो सेनापति जी, धीरे से जाना बगियन में। आ, ये क्या था? बोसे की इतनी आवाज। इसे घन गरज बोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? घन गरज बोसा। अरे अरे ये क्या है? मेरी आगोश। इतनी जबरदस्त। इसे पत्थर तोड़ आगोश कहते हैं। पत्थर तोड़। अरे आज तक तो अंदर से सिर्फ लड़कियों के चीखने की आवाज आती थी, आज सेनापति जी की चीखने की आवाज। शायद कली के साथ कुछ कांटे आ गए होंगे। कांटा? हथियार निकालू क्या? अरे मुझे गिरा क्यों दिया? अब तो मैं बहुत कुछ करूंगा। मैं करूंगी। ये क्या है? मेरी जुल्फे। जुल्फे? हाथों पर? ऐसी काली काली जुल्फे मेरे पूरे बदन पर है सेनापति जी। तू लड़की है या भालू? देखोगे? ये तुम्हारा साथी है ना, इतने कहो मुझे छोड़ दे। पहले कसम खाओ कि आज के बाद किसी लड़की पर नजर नहीं डालोगे। कसम खाता हूँ। कसम खाओ कि आज के बाद किसी बेबस पर हाथ नहीं उठाओगे। कदम खाता हूँ। अब तो छोड़ दो। छोड़ देंगे, पहले कुछ सवाल। तुर्किस्तान में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? कौन है भाई? भूगोल के उस्ताद अली साहब। अच्छा, भूगोल के उस्ताद ही। आदाब अर्ज़। और मैं इतिहास पढ़ाता हूँ। पानीपत की चौथी लड़ाई तीसरे के बाद हुई थी या पहले? मुझे क्या मालूम, मैं तो बहुत देर से पैदा हुआ था। मेरे होश में आने के बाद का कोई सवाल पूछो तो मैं बताऊं। थंबोर के महाराज की हत्या किसने की थी? थंबोर के महाराज? अच्छा, समझ गया। आप लोग मुझसे भाई साहब का नाम उगलवाना चाहते हैं। भाई साहब कौन? अरे भाई साहब को नहीं जानते? ये भाई साहब को नहीं जानते? अरे दुर्जन सिंह, थंबोर के महामंत्री। तो तुम्हारे भाई साहब ने थंबोर के महाराज की हत्या की? भाई साहब को पता चल गया कि मैंने ये बता दिया तो मुझे बहुत मारेंगे। मैं और कुछ नहीं बताऊंगा। जाने दीजिए राजकुमार, ये तो बहुत ही बेवकूफ और बेअक्ल आदमी। ठीक है, किसी अकलमंद आदमी से। मैं बेवकूफ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत अकलमंद हूँ। मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे आगे का भी सब कुछ पता है। क्या पता है? मुझे पता है कि भाई साहब थंबोर के महाराज बनने वाले हैं। राजकुमारी को कैद करके? राजकुमारी से विवाह करके। जैसे राजकुमारी मान जाएगी? मानेंगे कैसे नहीं, इसीलिए तो भाई साहब उन्हें वो तिलिस्मी घुंघरू भिजवाने वाले हैं, जिन्हें पहनकर राजकुमारी जन्माष्टमी पर नृत्य करेगी। जन्माष्टमी पर? और घुंघरू पहनते ही राजकुमारी भाई साहब के वश में हो जाएगी। अरे तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे कोई घुंघरू थोड़ी होते हैं। होते कहते नहीं है? वाह वाह, होते कहते नहीं है? उस दिन भाई साहब ने राजकुमारी के हमाम में वो तिलिस्मी इत्र नहीं मिलवाया था। भाई साहब ने? वो तो भाई साहब की बदकिस्मती के एन वक्त पर आप वहाँ पहुँच गए, नहीं तो आज राजकुमारी मेरी भाभी होती और मैं महामंत्री। आप लोगों का इतिहास बहुत अच्छा है और तुम्हारा भूगोल बहुत खराब है। खुशी हुई ना मुझे देखकर? आपकी तलवार मेरे दिल की मेहमान बने मुझे खुशी होगी, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात करना बहुत जरूरी है। अरावली की मक्कारी का एक और सबूत देना चाहते हो? आप मेरी जबान को एक मौका तो दीजिए, मैं आपकी तलवार को हजार मौके दूंगा। इससे पहले कि हम तुम्हें खत्म कर दें, जो कुछ कहना है जल्दी कहो। इसके लिए आपको मेरे दिल के और करीब आना होगा।
राजकुमार, राजकुमारी मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं और मोहब्बत की कसम, आपके पिता की हत्या में मेरे पिता का कोई हाथ नहीं था। यह साजिश आपके महामंत्री की थी। नामुमकिन। मैं सच कह रहा हूं राजकुमारी, और इस वक्त भी एक साजिश आपके महामंत्री के नापाक इरादे को लेकर आपके कमरे की तरफ बढ़ रही है। कौन सी साजिश? तिलस्मी घुंघरू राजकुमारी, तिलस्मी घुंघरू जिन्हें पहनकर आप जन्माष्टमी के उत्सव पर नाचेंगे और बाद में महामंत्री के इशारे पर। आप वो घुंघरू हरगिज़ नहीं पहनेंगे राजकुमारी, हरगिज़ नहीं। हम वो घुंघरू जरूर पहनेंगे। मेरा विश्वास कीजिए राजकुमारी, मैं भी वहां मौजूद रहूंगा। अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो आप मेरा सर कलम करवा सकती हैं। आपका दिल नहीं जीत सका तो अपना सर देकर जाऊंगा राजकुमारी, मगर मोहब्बत को रुसवा होने नहीं दूंगा। चलता हूं। राजकुमारी जी, महामंत्री ने आपके लिए घुंघरू भेजे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। परंपरा के अनुसार राजकुमारी विशाखा देवी हमेशा की तरह आज भी अपनी प्रजा के कल्याण व भलाई के लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष नृत्य करेंगी, और जो भी कलाकार उनके नृत्य के साथ संगत कर पाएगा, राजकुमारी विशाखा देवी स्वयं अपने हाथों से उस कलाकार को 500 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार देंगी। है कोई कलाकार जो इस चुनौती को स्वीकार करे? चुनौती तो हमरी है पंडित, अगर ये भाई जी कबूल करे खड़े खड़े। हमार नाम झुमरू प्रसाद झिंझोटी बलिया वाले हैं, और हमार चुनौती ये है सरकार, ये जो खूबसूरत छोकरिया है ना, क्या कहते हैं आप लोग? राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, ये जो राजकुमारी हमरी संगत कर पाए तो अपने उस्ताद डबल कनस्तर चिमटा वाले की कसम, हम अपने हाथ से इन्हें पूरे 1000 मोहरे गिनेंगे खड़े खड़े। हाँ तो राजकुमारी, कबूल या ना कबूल? कबूल, और ऐसा कबूल कि खड़ा खड़ा तोहार नाम ना ही भुलाई देव ना, तो हमार नाम भी विशाखा देवी ना ही। हाँ भाई वाह राजकुमारी जी वाह, बस शुरू करो प्रोग्राम लेकर किशन महाराज मुरली वाले का नाम। ¡Gracias!
राजकुमारी विशाखा देवी, अब ये युवक 500 स्वर्ण मुद्राओं का अधिकारी है। कहा है कि हम तो अपना सर देने आए थे राजकुमारी, लेकिन इनाम में आज हमका आप मौत भी दे देती तो हम खुद ही से कबूल कर लेते खड़े खड़े। इजाजत हो तो इनकी ये ख्वाहिश हम पूरी कर दें राजकुमारी जी। हाँ मंत्री जी, हम आपका ये मौका जरूर दे देते, लेकिन आज हम थोड़ा सा जल्दी में है खड़े खड़े। हमारा जल्दी में है या थंबोर के महामंत्री की मेहमान नवाजी पर यकीन नहीं है? अरावली के राजकुमार को, अरावली का राजकुमार, थंबोर के कैद खाने को मुद्दत से इस शाही मेहमान का इंतजार था। यह नाइंसाफी है, आपने खुद मंदिर में शस्त्र की मनाई की। अगर मुझे पता होता कि ये संगीत की महफिल नहीं युद्ध का मैदान है तो मैं भी निहत्ता नहीं आता। समझ में नहीं आता इसे तुम्हारी बेवकूफी कहूं या तुम्हारी अकलमंदी। लोग तो अपनी मौत की कीमत चुकाते हैं, तुमने तो मुफ्त में मोल ले ली। ले जाओ उसे। मुफ्त में मिलने वाली हर चीज बेशकीमती होती है दुर्जन। हवा का कोई मोल नहीं होता, पानी का कोई मोल नहीं होता, मोहब्बत अनमोल होती है। तुम इसे मौत कहते हो? हमें ये मौत ना मिलती तो मर गए होते। महामंत्री, आपकी वफादारी और होशियारी ने थंबोर वासियों का दिल जीत लिया है। और आपका? कैसे यकीन दिलाऊं? आज की शाम हमारे नाम करके। शमा को जलते हुए देखना चाहते हो? पिघलते हुए। आपका सपना क्या है महामंत्री जी? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आज की रात ना आप महामंत्री हैं और ना हम राजकुमारी। आपके दिल में जो कुछ भी है कह डालिए। मेरा सपना है आपको पाना और आपके साथ थंबोर, अरावली और आखिर में सारा हिंदुस्तान। अगर हम ना कर दें तो? मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आप पे जादू कर दिया है। घुंघरों से? आपने कैसे जाना? रात ढल रही है और हमें नींद भी आ रही है। नींद के लिए तो तमाम रातें बड़ी हैं, मगर ये रात नींद में गवाने के लिए नहीं। तो फिर किस लिए है? गुस्ताखियां करने के लिए। अगर महलों के अफसाने कलियों में गूंजने लगे तो? हम शादी कर लेंगे, मगर पहले हमें उस गुस्ताख राजकुमार का सर चाहिए। मेरे सिपाही बहुत ही जल्द उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। सिपाही? सिपाही क्यों? वो हमारा दुश्मन है। ये काम हम खुद अपने हाथों से करेंगे। मलिका की ख्वाहिश, गुलाम का हुक्म। अरे वाह झुमरू प्रसाद झिंझोटी बलिया वाले, इसे कहते हैं सक्की डोर। इधर हमने तमन्ना की कि जाते जाते आपसे मिलते जाएं और उधर आप तशरीफ ले आई, मगर राजकुमारी जी आप आई तो आई, ये ससुर तबलची को क्यों साथ ले आई? कोमल निषाद में सड़क की तरह बेमौजू लगता खड़े खड़े। मौत को सामने देखकर कैसा लग रहा है राजकुमार? जैसे जिंदगी सामने खड़ी। लेकिन मुझे दिली अफसोस है राजकुमारी, जो सर आपके लिए फूलों से कट सकता था उस पर आपको तलवार रखने की जहमत उठानी पड़ी। राजकुमारी जी, थंबोर का भविष्य आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। सवाल अगर थंबोर के भविष्य का है तो सबसे पहले हमें राजकुमार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने तुम्हारे नापाक इरादों से आगाह करके हमें तिलस्मी घुंघरू पहनने से रोक लिया।
और फिर महामंत्री, तुम्हें जंजीरों में बांधकर नगर चौक में सर के बल लटका देना चाहिए। सिपाहियों, महामंत्री को गिरफ्तार कर लो। सुना नहीं? महामंत्री को गिरफ्तार कर लो, यह हमारा हुक्म है। इतना खूबसूरत होने का हक नहीं है किसी को। आपको बनाने के बाद तो शायद कई दिनों तक खुदा को भी नींद नहीं आई होगी, लेकिन आज दुर्जन को धोखा देकर आपने कितना बड़ा खतरा मोल लिया है, इसका एहसास है आपको? जिसे पाने के लिए मैंने थंबोर और अरावली के महाराजाओं की गर्दनें उड़ा दी, उसकी बेवफाई की हम क्या सजा देंगे, इसका कुछ एहसास है आपको? आज दुर्जन भी आपको दुर्जन के कहर से नहीं बचा सकता। ये आंखें, ये आंखें जो खंजर की तरह हमारे सीने में उतर गई, इन्हें हम खंजर ही से निकाल कर चींटियों के हवाले कर देंगे, और ये शीरी होंठ जिन्हें चूमने के लिए फरिश्ते जन्नत छोड़ दें, इनकी जालिम मुस्कुराहट को कानों तक चीर देंगे हम। ये हुस्न, ये हुस्न, जमीन के अंदर रेंगते हुए कीड़ों को ये खबर भी नहीं होगी कि ये हुस्न जो खुदा तक की नींद हराम कर सकता है, थोड़ी देर में उनकी खुराक बनने वाला है। लेकिन इससे पहले ये हुस्न हमारा होगा। ले जाओ इसे और इसका सर काट कर हमारे शबिस्तान में फानूस की जगह लटका दो, ताकि ये अपनी आंखों से इसके हुस्न की बहार को लुटते हुए देख सके। ले जाओ। महाराज के खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगा। आज मैं तुझसे रानी मां के एक एक आंसू का हिसाब लूंगा। अरावली के बच्चे बच्चे और हर नौजवान का गुस्सा तेरे सीने में उतार दूंगा। नहीं 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 राजकुमारी जी, नहीं, मैं आपको भैया के साथ ऐसी गुस्ताखी करने की इजाजत नहीं दे सकता। भैया भैया भाई साहब, ये राक्षस आपकी घंटी बजा लेगा। आप खतरे का घंटा बजा दो भाई साहब, खतरे का घंटा बजा दो भैया। राजकुमार को पकड़ो। राजकुमार, आप यहां से भाग जाइए, आपकी जान खतरे में है। हाँ, हमारी जान खतरे में है। ये क्या कर रहे हो? अपनी जान बचा रहा हूँ। रुक क्यों गए? बाहर जाने का रास्ता यही है। हाँ, यही है, चलो।
की राजकुमार। क्या सोच रहे हो? यही कि आग से खेलना आ जाए तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। लेकिन जलने का डर भी तो रहता है। हाँ, अगर आपने घुंघरू पहन लिए होते तो मैं सिर्फ जलता ही नहीं, जलकर मर भी जाता। ऐसी क्या खास बात है इन घुंघरों में? ये तिलस्मी घुंघरू है राजकुमारी, इन्हें पहनकर खुद को अपने दिल पर इख्तियार नहीं रहता। मोहब्बत का बिच्छू ऐसा डंक मारता है कि तन प्यार पाने के लिए तड़प उठता है। सच? फिर तो हम इन्हें जरूर पहनेंगे।
तो होश जरा सा। समझा नहीं कैसा अन्नाड़ी है, भोला शिकारी है तू मेरे किस काम का। समझा तो हूँ पर मैं दीवाना हूँ, तेरा परवाना हूँ, आशिक नहीं नाम का। जी रानी, राजकुमार कहाँ है? वो राजकुमारी को लेकर पहुंचते होंगे। शाबाश राजकुमार, आज अरावली का इंतकाम पूरा होगा। पहले राजकुमारी की चिता जलेगी, फिर उसी आग से महाराज की समाधि का चिराग। भैया भैया मतलब महामंत्री जी, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है, कौन सी पहले सुनोगे? हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, जो कहना है जल्दी कहो। अच्छा अच्छा, तो अच्छी खबर तो यह है कि मैं जिंदा सलामत वापस आ गया हूँ, और बुरी खबर यह है कि राजकुमार राजकुमारी का कहीं पता ही नहीं चला। तो चले खाना खाए। नालायक, नामाकूल। नामाकूल, बेवकूफ, नुत्फे ना तहकीक। ये कौन सी गाली है भैया? चुप! रानी माँ, पहचाना आपने इन्हें? हम इसे कैसे भूल सकते हैं राजकुमार? ये चेहरा अरावली की मौत का चेहरा है, ये चेहरा महाराज की मौत का चेहरा है। राजकुमार! राजकुमारी को कहाँ ले जा रहे हो? इतनी अंतिम यात्रा पर इसे सर काट देंगे, इसे जिंदा चला देंगे हम लोग। खबरदार, राजकुमारी का अपराध अभी तक सिद्ध नहीं हुआ और तुम लोगों ने उसकी सजा भी मुकर्रर कर दी। अरावली का न्याय इसकी आज्ञा नहीं देता। आप हमारे सामने से हट जाइए राजकुमार, वरना हमारे इंतकाम की तलवार ये भूल जाएगी कि हमारे सामने अरावली का राजकुमार खड़ा है। गुस्ताख! आप इन्हें रोकिए रानी माँ, ये लोग अपना आपा खो चुके हैं। जनता की आवाज ईश्वर की आवाज होती है और इस आवाज का पालन करना हर राजा का धर्म है। लेकिन ये जो हो रहा है वो अधर्म है रानी माँ। अगर राजकुमारी की जान चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो थंबौर में हुआ था राजकुमार, जब हत्या का झूठा इल्जाम लगाकर महाराज को मृत्यु दंड दिया था। आग से आग नहीं बुझती रानी माँ। लेकिन राजकुमारी की चिता की अग्नि से महाराज की समाधि का चिराग जरूर जलेगा। रानी माँ, जिस अपराध के लिए आप राजकुमारी को दंड देने जा रही हैं, आप स्वयं उसकी अपराधिनी बन जाएंगी। उस दिन महाराज की हत्या हुई और यह देखती रही, आज इसकी हत्या होगी और आप देखती रहेंगी। ये तो अन्याय रानी माँ, अन्याय। अरावली की महारानी को एक बिगड़े दिल राजकुमार से न्याय की शिक्षा लेने की जरूरत नहीं। मुझे तलवार उठाने पर मजबूर मत कीजिए रानी माँ। अपने पिता के हत्यारन के लिए तुम तलवार उठाओगे, अरावली से बगावत करोगे? धिक्कार है हमारे दूत पर, जो यवन की पहली पुकार सुनते ही पानी हो गया। यह आप ही का दूत है रानी माँ,
जो आज आपसे न्याय की मांग कर रहा है। मैंने गुरुकुल में सौगंध ली थी कि यह तलवार सत्य और न्याय की रक्षा के लिए उठेगी, और आज सत्य और न्याय की रक्षा के लिए यह तलवार अरावली के विरुद्ध उठाने में मुझे संकोच नहीं होगा। मेरी जान अरावली की अमानत है, मेरा खून आपका कर्ज है, लेकिन सत्य और न्याय मेरे लिए सर्वोपरि है रानी मां, सबसे बढ़कर। फिर युद्ध होगा, एक गद्दार राजकुमार और वफादार सैनिकों के बीच युद्ध होगा। मैं गद्दार नहीं हूं रानी मां, अपने सिद्धांतों से बंधा हुआ मजबूर योद्धा हूं। और हम अपने वचन से बंधे हुए हैं राजकुमार। हाँ महारानी, आप अपनी वचन से बंधी हुई हैं। इसे देखिए और याद कीजिए, आपने वचन दिया था कि अपने हिम्मत की जिंदगी के अवज में मैंने कभी राजकुमार की जिंदगी भी मांगी तो आप इनकार नहीं करेंगे। राजकुमार की जिंदगी? हाँ महारानी, थंभौर की राजकुमारी अरावली के राजकुमार की जिंदगी है। पन्ना, एकता ही अपनी सीमा से आगे बढ़ रही है। ये दाई अपनी सीमा जानती है महारानी। राजकुमार के जन्म के समय इस दाई ने आपसे पहले उनका चेहरा देखा था, इस दाई ने आपसे पहले उनकी चीख सुनी थी, और आज भी ये दाई उनके खामोश दिल की चीख सुन रही है जो अपनी मां से राजकुमारी की जिंदगी की भीख मांग रही है। हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे पन्ना, कभी नहीं। राजकुमारी को बंदी बनाकर दासी की तरह रखा जाए। ये आप क्या कर रहे हैं राजकुमार? जो जन्म से राजकुमारी होता है मां, उसे किसी का हुक्म दासी नहीं बना सकता। आपने रानी मां का हुक्म ठुकरा कर ठीक नहीं किया राजकुमार। मैं अपनी मोहब्बत के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने दूंगा दाई मां। अन्याय कैसा राजकुमार? अरावली महाराज को हमारे मौजूदगी में मृत्यु दंड मिला, कसूरवार हम भी हैं। कसूरवार सिर्फ एक है राजकुमारी, और वो है दुर्जन सिंह। रानी मां को दिए हुए वचन को निभाने के लिए और अपनी मोहब्बत पर लगे दाग को मिटाने के लिए मुझे अकेले दुर्जन का सर चाहिए। मगर दुर्जन अकेला नहीं है राजकुमार, फौज के साथ साथ उसके असला खाने हथियारों से भरे पड़े हैं। मुकाबले के लिए हम हथियार कहां से लाएंगे? उन लोगों को लूट कर जिन्होंने हमें लूटा है। तुम्हारी लूट का पहला नजराना। जिसके पास रूप का जेवर हो उसे जेवरात की क्या जरूरत है? महामंत्री जी, राजकुमार ने इतनी लूट मचा रखी है कि तिजारत करना मुश्किल हो गया है। व्यापारी लोग सामान लाने और ले जाने के लिए डरने लगे हैं। अगर उसे फौरन गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे।
सब मर्दों की एक ही दवा है, चमेली जान। ये चमेली जान कौन है? अरे चमेली जान को नहीं जानते? ऐसी सुरीली चीज है कि वो कमबख्त राजकुमार भी सुन ले तो उस पे लट्टू हो जाए। राजकुमार को पकड़ने के लिए हमें चमेली जान की मदद लेनी होगी। क्यों? अरे इसलिए कि राजकुमार जैसे सूरमा को पकड़ना भाई साहब के बस का रोग थोड़ी है। अच्छा। हाँ और क्या, भाई साहब तो उसके सामने चूहा बन जाते हैं, चूहा। अच्छा। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, उस दिन राजकुमार ने भाई साहब को पीट पीट के उनके तो सारे तार ढीले कर दिए थे। वो तो वक्त पे मैं पहुंच गया और भाई साहब को बचा लिया। अच्छा। हाँ, तभी तो राजकुमारी मुझ पे फिदा हो गई, मुझसे कहने लगी, सुजन सिंह जी आपके भाई तो गधे हैं, महामंत्री तो आपको होना चाहिए था। वैसे आज शाम को आपका कार्यक्रम क्या है सुजन सिंह जी? तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा कितनी बार बताया तुझे मेरी नकल मत किया कर अहमक, निकल जा यहाँ से वरना इस दाढ़ी के साथ तेरी गर्दन भी कटवा दूंगा गधा। कहिए क्यों मजमा लगा रखा है आप लोगों ने यहाँ? राजकुमार ने हमारी नाक में दम कर रखा है, अगर आपने जल्दी कुछ नहीं किया तो हमें मजबूर होकर ऐलान करना होगा कि हम राजकुमारी के साथ हैं। वो वापस आकर अपना राज संभाले। ये राज मेरा है, ये राज मेरा है। ये राज मेरा है, मेरा है। तुम्हारे इस खोखले जादू टोने का, अगर तुम ये भी नहीं पता लगा सकती कि राजकुमार ने राजकुमारी को कहां छुपा रखा है। क्या बात है दुष्यंत, आज बड़ा लाल पीला हो रहा है। ना अपना हाथ। देख रही है मेरी ताकत? चंडाली, दरअसल हम परेशान थे इसलिए बेअदबी हो गई, नाराज मत हो। जा जाने मन, तुझे माफ किया, तेरी परेशानियां हो जाएगी तमाम जब आएगी अमावस की अगली शाम, तेरी सालगिरह का जश्न जब मनाया जाएगा, राजकुमार जंजीरों में तेरी सामने लाया जाएगा। और राजकुमारी? जहां परवाना वहां शमा, जहां नशा वहां कुमारी, जहाँ राजकुमार वहाँ राजकुमारी। प्यार करें,
ये समाधि देख रहे हो राजकुमार? इस चिराग के होते हुए यह अंधेरा क्यों है? चिराग नफरत की आग से नहीं जलते रानी माँ, उन्हें इंसाफ की रोशनी चाहिए। थंभौर की राजकुमारी के प्यार में तुम इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें हमारा इंसाफ इंसाफ नजर नहीं आता। आप इंसाफ के पर्दे में इंतकाम चाहती है रानी माँ, और मैं आपके नाम पर नाइंसाफी का कलंक लगने नहीं दूंगा। तो ठीक है राजकुमार, अपनी सौगंध पूरी करने के लिए हम अपनी गोद तो सुनी नहीं कर सकते, लेकिन अपनी चिता जलाकर इस चिराग को रोशन जरूर कर सकते हैं। किसी और की सजा खुद को क्यों दे रहे हैं आप? हम अपने प्यार की सौगंध खाकर कहते हैं कि जब तक आपके इंतकाम की आग शांत नहीं होती, हम राजकुमार से मिलना तो क्या, उनसे बात भी नहीं करेंगे। आपकी सजा के मुताबिक हम यहां बांधी बनकर रहेंगे, और अगर इससे भी आपकी तसल्ली नहीं हुई तो इस चिराग को रोशन करने के लिए हम अपनी जान दे देंगे। Thank you.
हुआ नंदु? राजकुमार, मेरी माँ राजकुमार। क्या हुआ उसे? वो शिवजी के मंदिर में दिया जलाने गई थी, अब तक नहीं लौटी राजकुमार। मुझे बहुत डर लग रहा है राजकुमार। चलो चलो मेरे साथ। शेर फंस गया, अब बकरी को रिहा कर सकते हैं। मुझको माफ कर देना राजकुमार, वरना ये लोग मेरी माँ को मार डालते। मार डालते तो मैं गर्व से अपनी अरावली पर शहीद हो जाती। दुर्जन, जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया, अब इन्हें रिहा कर दो। रिहा तो इसे कर देंगे, लेकिन तुम्हारी खातिर नहीं, राजकुमारी विशाखा देवी की खातिर। ये जाके राजकुमारी को खबर देगी, वो यहां आएंगी तुम्हारे लिए और मेरी होके रह जाएंगी। रिहा कर दो इसे। राजकुमारी तेरे लिए वो ख्वाब है जो 10 जन्म भी पूरा नहीं होगा, मेरे लिए वो हकीकत जिसकी सांस मेरी सांसों में बसती है, जिसका एहसास मेरी आगोश की अमानत है। हिम्मत है तो मेरी आंखों में देख, तू राजकुमारी को वह मुस्कुराता हुआ पाएगा। हमें मजबूर मत करो राजकुमार, वरना यही तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। राजकुमार अरावली का पहला सिपाही है दुर्जन, आखिरी नहीं। एक सिपाही शहीद होगा तो 1000 उठेंगे। हम तुम्हें खुलेआम सूली पर लटकाएंगे ताकि अरावली की जनता अपने राजकुमार के खून की एक एक बूंद को अरावली की खाक में जज्ब होते हुए देखे। जब शहीदों का खून खाक में जज्ब होता है दुर्जन, तब खेतों में गेहूं नहीं तलवारें पैदा होती हैं, दरियाओं में पानी नहीं तेजाब बहता है, दरख्तों पर फूल नहीं अंगार खिलते हैं। जिस दिन मेरा खून अरावली की खाक में मिलेगा, अरावली की खाक बारूद बन जाएगी और थंबोर को तेरे इरादे के साथ सपाट करके रख देगी। ये तुम्हारी शायरी है राजकुमार, सच्चाई नहीं। सच्चाई ये है कि फौज के नाम पर अरावली के पास चंद लुटेरे हैं बस, और शहनशाह के नाम पर एक बेवकूफ राजकुमार जो एक मामूली सी औरत की जान की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी और अरावली का भविष्य दोनों दांव पर लगाने को तैयार है। अरावली में कोई मामूली नहीं है दुर्जन, अरावली का जर्रा जर्रा आफताब है। अरावली की हर माँ रानी माँ और हर बेटा राजकुमार होगा, लेकिन अब अरावली और थंबोर पर मेरी हुकूमत है। अरावली और थंबोर पर तेरी हुकूमत हो सकती है, लेकिन राजकुमारी के दिल पर मेरी हुकूमत है। तू चाहे सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर ले दुर्जन, लेकिन राजकुमारी के दिल पर हुकूमत नहीं कर सकता। और जब तक तू जिंदा रहेगा दुर्जन, ये सच्चाई खंजर की तरह तेरे सीने में डसती रहेगी। सर कलम कर दो इसका। अरे नहीं 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 भैया, यानी महामंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? आसानी से मार के क्या फायदा, कल आपकी सालगिरह का जश्न है, हैं? तो सबके सामने इसकी मौत का तमाशा बना के रियाया को भी खुश कर दीजिए। ले चलो इसे। रानी माँ, महामंत्री राजकुमार को उठवाकर अपने साथ लेकर चले गए हैं और कल भरी महफिल में उनकी जान लेने वाले हैं।
अरे नागिन वाह, आखिर तू अपनी साजिश में कामयाब हो ही गई ना। हमारी साजिश? हाँ, यहाँ आने का तेरा मकसद ही यही था कि अरावली का नाम और निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे। बस कीजिए रानी माँ, बस कीजिए। हमसे इतनी भी नफरत मत कीजिए कि हमें अपनी जिंदगी से नफरत हो जाए। राजकुमार को बचाकर हम लाएंगे। बहुत खूब, अब यहाँ से फरार होने की तरकीब भी सोच ली तुमने। आप कुछ भी कहें, राजकुमार को आजाद करने के लिए अगर हमें आपकी नफरत की हद से भी गुजरना पड़ा तो गुजर जाएंगे। रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाए तो पाई जो जाओ। राजकुमारी की हिफाजत करना मेरा ईमान है। और मेरे ईमान से टकराओगे तो मिट जाओगे। वफादारी मेरे खून में है रानी माँ। दुआ कीजिए कि मैं अपनी जान की कुर्बानी देकर भी राजकुमार को सही सलामत वापस ला सकूं। तंबोरवासियों, दिल थाम के बैठिए। अभी आपके सामने बागी राजकुमार और आदमखोर हकोबा का दिलचस्प मुकाबला होगा। मुकाबला शुरू हो। ठहरिए हुजूर। क्या गुस्ताखी है ये? गुस्ताखी नहीं हुजूर, पारसी कालीन है ये, आपकी सालगिरह का नायाब तोहफा। अगर यहाँ खून खराबा हो गया तो इस कालीन का जादू देखने से आप महरूम रह जाएंगे हुजूर। कैसा जादू? आपकी जो भी दिली तमन्ना हो इस कालीन को हुक्म दीजिए, ये उसे पूरी कर देगा। अगर तुम्हारा दावा झूठा साबित हुआ तो राजकुमार से पहले इस अदना गुलाम को हकुबा की खुराक बना दीजिए। हमें मंजूर है। अब अपनी तमन्ना का तस्वीर करते हुए इस कालीन को चूमिए। क्यों? क्योंकि यकीनन ये आपका मुकद्दर बदल देगा। मिट्टी को गाली मत दीजिए हुजूर, आखिरकार यही आपको पनाह देती है। अब आप तशरीफ रखिए और अपनी मुराद पूरी होते हुए देखिए। चमुले हुकुमा के अम्बाले अव्वा देखी अम्बोली चाचा तापा जी ने ताका ते में तापा जी ने ताजा पाजा पाजा हो। Thank you.
चल। Oh,
रास्ते की रुकावट बने, उसे हमारे रास्ते से हटा दो। आशीर्वाद से हमने अपना वचन पूरा किया। लेकिन राजकुमार का वचन अभी भी एक बुझा हुआ चराग है जिसे रोशनी का इंतजार है। यह है आपका कसूरवार, या आप इसे जिंदा जला दीजिए या इसे सूली पर लटका दीजिए। अरे सूली पर मुझे क्यों लटका रहे हो भूगोल के उस्ताद जी? सूली पर मुझे क्यों लटका रहे हो? मैं भाई साहब नहीं हूँ। भाई साहब समझ के आप मुझे उठा लाए हो भाई साहब? हाँ यही तो मैं आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ भूगोल के उस्ताद जी, मैं भाई साहब नहीं हूँ, मैं भाई साहब नहीं हूँ, मैं हूँ। बचपन से मेरी यही बदकिस्मती रही है, सारी शरारतें भाई साहब करते हैं और सदा मुझे मिलती है। अभी भी सारा कसूर भाई साहब का है और मैं बेचारा भोला भाला। झूठ बोलता है हरामखोर। नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भूगोल के उस्ताद जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम से। झूठ बोलने वाले को काला कौआ काटता है। राजकुमार, रानी मां, आप भी मुझे नहीं पहचानते? मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं मैं महामंत्री नहीं हूँ, मैं महामंत्री नहीं हूँ, मैं सुजन सिंह हूँ, मैं सुजन सिंह हूँ, सुजन सिंह, मैं महामंत्री नहीं हूँ। ये सारी साजिश भाई साहब की है रानी मां, ये सारी साजिश भाई साहब की है। वो बचपन से ही बहुत चालाक है सच्ची। वो राजकुमारी और राजगद्दी दोनों को पाना चाहता था और इसके लिए उसने अपने हाथों से राजकुमारी के पिता की हत्या की। हाँ, और इल्जाम आपके पति के सर पे लगा दिया। और इस डायन ने बिना सोचे समझे महाराज को मौत की सजा सुना दी। आप हमारी राजकुमारी को दोष मत दीजिए रानी माँ, इसमें इनका क्या कसूर है? ये तो बेचारी अपने पिता की लाश को देखकर बेहोश हो गई थी। और फिर आप जानते हैं भाई साहब, जानते भाई साहब ने क्या किया? सचमुच बहुत ही कमीना है वो, बहुत ही कमीना। उसने इनकी बेहोशी का फायदा उठाकर वैद्यराज की दवा में उस चांडाली की दी हुई भस्म मिला दी थी ताकि ये कुछ दिनों तक अपने सोचने समझने की ताकत खो दे। मैं सच कह रहा हूँ रानी माँ, रानी माँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। रानी माँ आप ही इंसाफ कीजिए रानी माँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? सिर्फ ये ना कि मैं उस कमीने का भाई। रानी माँ, पन्ना, माफ कर दो महारानी। माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए पन्ना। तो आज्ञा। नहीं पन्ना नहीं। सिपाहियों हमला!
कैसे पहचाना तुमने अपने प्यारे महामंत्री को? देखिए राजकुमारी जी, आपने अपने महल की मीनार से इतना हसीन मंजर पहले कभी नहीं देखा होगा। फरमाइए, आप अपने इन गोरे हाथों को कैसे रंगना पसंद करेंगी? महारानी के शाही खून से या हमारे नाम की मेहंदी से? हमारी बहू मजबूर नहीं है दुर्जन, वो तुम्हारे फरेब का शिकार हो सकती है मगर मजबूर नहीं। महारानी जी, महारानी नहीं, माँ, माँ, हमारी जिंदगी की चिंता मत करो राजकुमारी, हमने तो अपनी जिंदगी जी ली। हम तो उसी रोज मर गए थे जिस रोज हमने इसी जगह हमारी मांग के सितारे को टूटते हुए देखा था। मुझे जिंदगी मिली भी तो मौत के वक्त। अनजाने में हमने तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं, तुमसे माफी मांगकर हम तुम्हें छोटा नहीं करना चाहते। पन्ना ने हमसे कहा था तुम राजकुमार की जिंदगी हो, राजकुमार की खातिर हम तुमसे तुम्हारी जिंदगी मांगते हैं। राजकुमार, राजकुमार तो मर चुका है बेचारा। झूठ बोलता है बबसाप, वो तेरी मौत का फरिश्ता बनकर आता ही होगा। नहीं, वो अब कभी नहीं आएगा। ये रहा उसकी मौत का सबूत। तो राजकुमारी जी, आप क्या पसंद करेंगी, इनकी मौत का मंजर या शादी का जश्न?
Yeah.
हमारी बहू को बचाओ। दुर्जन, वरना मैं तुम्हारे भाई की जान ले लूंगा। शाख से मार डालो इस बेवकूफ को। इसकी जिंदगी या मौत से मुझे कोई मतलब नहीं। मेरी जिंदगी से कोई मतलब नहीं भैया? भैया इतने सालों की वफादारी का ये इनाम? तू दुर्जन सिंह, तू सचमुच भाई कहलाने के लायक नहीं है। बात सुनो राजकुमार। राजकुमार जहाँ ये राजकुमारी को ले जा रहा है वहाँ तुम मेरी मदद के बगैर नहीं पहुँच सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी गर्दन उड़ा देना। चंगाई चुप रहो। इसने वरमाला पहनाने से इनकार किया है चंडाली। अब मैं इसके साथ गंधर्व विवाह करूंगा। गंधर्व विवाह नहीं, राक्षस विवाह, जिसमें सुहागरात पहले होती है विवाह बाद में। जल्दी राजकुमार उतरे, जल्दी वक्त नहीं है। राजकुमार इधर से। राजकुमार, आप राजकुमारी की जान बचाइए, इस चुड़ैल को मैं संभालता हूं। आज हमारे बुलंद इरादे और आपके बेपनाह हुस्न का बेमिसाल मिलन होगा, जिसका अंजाम दुनिया का नया इतिहास लिखेगा। राजकुमार! किसे बुला रही हो? मेरी मोहब्बत और तेरी मौत को। Thank you.
कह दो अलविदा अपने राजकुमार को। For exclusive classic movies, download Shimarumi app now.